अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने कई बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होने वाला है, फिर वो चाहे सिनेमा घरों में हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और तो और इसकी शुरुआत पहले ही दिन हो चुकी है एक ओर जहां जॉन अब्राहम, रकुल प्रीत सिंह और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म अटैक रिलीज हुई, तो दूसरी ओर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर श्रेयस तलपड़े स्टारर कौन प्रवीण तांबे रिलीज हो चुकी है। चूंकि कौन प्रवीण तांबे ओटीटी रिलीज है तो उसे अटैक के साथ सीधे तौर पर क्लैश नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस महीने कुछ और फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलेगा जो कि सीधी टक्कर होगी। क्लैश की इस लिस्ट में शाहिद कपूर की जर्सी और यश की केजीएफ चैप्टर 2 के नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं कि इस महीने किन किन फिल्मों में आपसी भिड़ंत तय है। नंबर 1, बीस्ट वर्सेस केजीएफ 2 वर्सेस जर्सी। 13 अप्रैल को थलापति विजय की फिल्म बीस्ट रिलीज होगी। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े जलवा बिखेरेंगी। 2 तारीख को ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से ही दर्शकों के बीच जोरदार एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रेलर से पहले फिल्म के पोस्टर ने भी अच्छी खासी क्यूरियोसिटी बना दी थी। बीस्ट के बाद अगले दिन यानी 14 अप्रैल को यश तारर और इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होगी। इस फिल्म में जोरदार डायलॉग्स और एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म में यश के साथ ही इस बार रवीना टंडन और संजय दत्त भी नजर आएंगे। केजीएफ 2 के अलावा 14 अप्रैल को ही फिल्म जर्सी रिलीज होगी। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। फिल्म की कहानी उस पिता की है जो बेटे के लिए एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में एंट्री करता है। नंबर 2, हीरोपंती 2 वर्सेस रनवे 34। फिल्म हीरोपंती 2 से डेब्यू करने के बाद टाइगर श्रॉफ इसके दूसरे पार्ट हीरोपंती 2 के साथ तैयार है। 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ तारा सुतारिया नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर में टाइगर जोरदार एक्शन करते हुए नजर आए थे। हीरोपंती 2 के अलावा 29 अप्रैल 2022 को ही रनवे 34 रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह अहम किरदारों में होंगे। अजय देवगन निर्देशित इस फिल्म का नाम पहले मेरे था। नंबर 3, दसवीं वर्सेस हुड़दंग। 7 अप्रैल को अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निमृत कौर स्टारर फिल्म दसवीं रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नेता के किरदार में है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं और फिर जेल से ही दसवीं की परीक्षा देते हैं। फिल्म के ट्रेलर को भी दर्शकों से मिक्स रिस्पांस मिला था और फिल्म को भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर 8 अप्रैल को निखिल नागेश भाट के निर्देशन में बनी हुड़दंग रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में सनी कौशल के साथ ही नुसरत धरूचा और विजय वर्मा प्रमुख किरदारों में नजर आए। हालांकि ये ओटीटी वर्सेस सिनेमा क्लैश था, लेकिन अभिषेक का ओटीटी पर होना भी हुड़दंग पर काफी असर डालता नजर आया। हालांकि ये क्लैश दोनों के बीच हो चुका है। वैसे आप इनमें से किस क्लैश को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और किस क्लैश को आपने खूब एंजॉय किया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।